इवनिंग एवरीवन, निवेश.com की एक्सपर्ट टॉक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरुचि है और मैं आज के इवेंट की मॉडरेटर हूँ। इवेंट में जुड़े सभी पार्टिसिपेंट्स अभी केवल इस सेशन को सुन सकते हैं और सेशन के दौरान आप अपने सवाल टाइप करके पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए चैट के ऑप्शन को दबाना है और अपना सवाल टाइप करना है। सेशन के बाद हम एक एक करके आपके सभी सवालों को आंसर करेंगे। ये इवेंट रिकॉर्डेड है और इस इवेंट की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्द ही शेयर की जाएगी। ये इस ईयर यानी 2020 का लास्ट वेबिनार है और आज हम एक हैप्पी और मोटिवेटेड नोट पर ये सेशन करेंगे। 2020 काफी स्ट्रेसफुल ईयर रहा हम सभी की लाइफ में, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी, और स्ट्रेस हमारे फिनेंशियल डिसीजंस को भी इम्पैक्ट करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पर। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी ओम शांति रिट्रीट सेंटर से सिस्टर बी के विधात्री जी मौजूद हैं, और हमारे आज के स्पीकर से परिचय कराने के लिए हमारे साथ वन ऑफ आवर टॉप परफॉर्मिंग पार्टनर्स में से मिस्टर श्याम जी हमारे साथ इस सेशन में मौजूद हैं। श्याम जी इज अ मोटिवेशनल स्पीकर हिमसेल्फ, तो अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी श्याम जी से कि वो हमारे आज के स्पीकर के बारे में मैं थोड़ा बताएं और इस इवेंट को आगे लेके जाएं। ओवर टू यू श्याम जी, आपका सेशन। श्याम जी आपका, यस, आप अपना अनम्यूट करके सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी, ओम शांति। धन्यवाद सुरुचि, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ निवेश मैनेजमेंट का कि मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। मैं बात कर रहा हूँ एन इंजीनियर मेडलिस्ट प्रोफेशनल स्पीकर जिन्होंने अपने जीवन का असली मतलब स्पिरिचुअलिटी में पाया और अपना संपूर्ण जीवन ह्यूमैनिटी के लिए समर्पित कर दिया। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ आज की स्पीकर, आज की मोटिवेशनल स्पीकर बी के विधात्री दीदी जी का। दीदी आपका स्वागत है। ग्रेजुएशन एनआईटी सूरत से करने के दौरान स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने खिंचाव और प्रेम को महसूस करते हुए आप 2008 में ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी से जुड़ी। इन्होंने अनेक टॉपिक्स जैसे लीडरशिप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलेशनशिप पर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स की हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने बहुत सी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, मिनिस्ट्रीज, कॉर्पोरेट हाउसेस एंड इंस्टीट्यूशंस में टॉक्स एंड लेक्चर्स भी करे हुए हैं। अतः अब मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपने अनुभव से हमें अपने आपको कैसे इस कोरोना काल में संभालें और आगे बढ़ें, और जैसा कि आपका भगवत गीता का असली जिंदगी में उपयोग कैसे करें, तो आपकी महारत हासिल है, तो मैं चाहूंगा कि दीदी जी हमें बताएं कि हम भी कैसे भगवत गीता का प्रयोग अपने जीवन में करते हुए स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस फ्री रह सकें और इस कोरोना काल को काट सकें। हाँ जी, मैं स्वागत करना चाहता हूँ बी के विधात्री दीदी जी का कि आप आए और हमें अपने प्रकाश डाले और बताएं। ओम शांति दीदी, ओवर टू यू। ओम शांति, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। ये शब्द जो हम बहुत समय से सुन रहे हैं कोरोना, इसको हमने एक ब्रह्मा कुमारी संस्था विश्व भर में हमारे 137 कंट्रीज में थाउजेंड्स ऑफ सेंटर्स है, और वहाँ हमने इस शब्द को यूज किया है कि कोरोना का एक्चुअल मीनिंग होता है क्राउन, ताज, मुकुट। तो हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं तक पहुंचने के लिए, आप सभी अपने जीवन में जहां तक पहुंचे हैं संघर्ष से तो गुजरे ही होंगे, हर व्यक्ति को एक मूर्ति को भी बनने के लिए संघर्ष से गुजरना पड़ता है। बहुत सारे हथौड़े, बहुत सारी चिजल्स, बहुत कुछ उसको सहना पड़ता है, तब जाकर के वो मूर्ति, बहुत समय तक उसको तपना होता है, बहुत कुछ अलग अलग प्रकार की ताड़नाएं उसको रहती हैं, उसको प्राप्त होती हैं, उसके बाद जाकर के फिर वो मूर्ति बनती है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो शक्ति भरने का कार्य, धीरज भरने का कार्य, कोई ना कोई चैलेंज, कोई ना कोई सिचुएशन ही सिखाती है। तो ये कोरोना, जो कि बिल्कुल अनजान थे हम इस शब्द से इस वर्ष के पहले, और इस वर्ष में मैं नहीं समझती कोई भी ऐसा बच्चा भी होगा जो कि इस शब्द को ना पहचानता हो, ना जानता हो,
तो कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सच में कोरोना यानी कि सच में सफल होने के लिए, वो ताज, सफलता का ताज पाने के लिए, ये भी उसकी तरह एक हथौड़ा ही है जिसने हमें ये बताया है कि जीवन जैसा हम सोचते आते हैं ऐसा रहेगा। कितने सारे आप देखिए गवर्नमेंट हो गए या कोई भी पर्सनल लाइफ में भी, 2020 वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर एवरीबडी। बहुत सारे गवर्नमेंट के प्लान्स थे जो 2020 में संपन्न होने थे, बहुत सारे हमारे इंडिविजुअल प्लान्स थे जो हमें इस वर्ष कंप्लीट करने थे, लेकिन परिस्थितियां, जीवन कभी भी हमारे हिसाब से जैसे हमने प्लान किया होता है वैसा ही प्रस्तुत होकर के आए ऐसा आवश्यक नहीं है। वो अपने जो भी सिचुएशंस है वो अपने हिसाब से आएगा। अब उस सिचुएशन में हम कितने अपने आप को प्रिपेयर्ड महसूस करते हैं, हम कैसे उस चीज को आगे रखते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा पाते हैं, ये हम पर, हर एक व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो हर सिचुएशन सबके लिए सेम है। केवल मैं एक कंपनी की बात नहीं करती, एक देश की बात नहीं करती, पूरे विश्व के लिए सिचुएशन एक जैसी ही है, लेकिन उस एक सिचुएशन के अंदर कितने लोगों के अलग अलग रिस्पॉन्सेस हैं, इसके बारे में ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है उस परिस्थिति पे हमारा रिस्पॉन्स क्या है, ये हम पर निर्भर करता है। और उस रिस्पॉन्स पर निर्भर करता है कि हम उस परिस्थिति से जीत पाते हैं या उस परिस्थिति के हम कहीं ना कहीं उससे दब जाते हैं और स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो एक ही परिस्थिति के अंदर क्या हम ऐसा करें जो हमें स्ट्रेस फ्री रहने का मंत्र मिल जाए। तो आपके बीच में एक प्रेजेंटेशन रखूंगी जिसके द्वारा हम इस चीज को समझ सकते हैं, और आप सभी अपना अगर कोई भी आपका प्रश्न होता है तो जैसे कि आपको शुरुआत में बताया, आप वो अपना प्रश्न चैट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, तो हम उस प्रश्न को इस सेशन के अंत में उसका आपको उत्तर अवश्य देंगे। सो स्ट्रेस को ओवरकम, अब यहाँ पे फर्क पड़ जाता है तीन शब्दों में, एक होता है स्ट्रेस प्रिवेंशन, एक होता है स्ट्रेस फ्री लिविंग, और एक होता है ओवरकमिंग स्ट्रेस, एक है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस प्रिवेंशन या स्ट्रेस फ्री लिविंग का अर्थ है कि मेरे पास ना तो कोई स्ट्रेस है और ना ही आ सकता है, मुझे आ गया तरीका स्ट्रेस फ्री रहने का और कैसे मैं अपने आप को स्ट्रेस से बचा के रखूं वो तरीका मुझे आ चुका है। ओवरकमिंग स्ट्रेस का अर्थ है कि हमारे पास स्ट्रेस है, हमें पता है हमारे जीवन में स्ट्रेस है और मैं उससे जीत रही हूँ। और स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब है स्ट्रेस है और मैंने ये मान लिया कि रहेगा, उसको मैनेज करना। मैनेज करना मतलब उसको सही लिमिट में रखना, इससे ज्यादा ना बढ़ जाए, इससे कम भी नहीं होना चाहिए, ये है मैनेजमेंट। तो मैं इसको स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कह रही, स्ट्रेस प्रिवेंशन भी अभी नहीं कहूंगी, क्योंकि अभी तो फिलहाल जो स्ट्रेस आ चुका है जीवन में उसको हमें ओवरकम करना है। तो आखिरकार स्ट्रेस है क्या? तो हम अगर मैथमेटिकल या फिजिक्स के टर्म्स में जैसे हम पढ़ते थे स्कूल में, तो प्रेशर की हम डेफिनेशन पढ़ते थे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये हम हमेशा पढ़ा करते थे। ऐसे ही जीवन में हमें जब कभी मेंटल प्रेशर फील होता है, इमोशनल प्रेशर फील होता है, कभी किसी बात में हम प्रेशराइज्ड फील करते हैं, तो उसका कारण भी क्या होता है? फोर्स ऑफ सिचुएशन डिवाइडेड बाय एरिया। अब यहाँ एरिया क्या होगा? यहाँ पे एरिया कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसका सरफेस एरिया होता है, लेकिन यहाँ ये जो प्रेशर फील कर रहा है वो है हमारा मन, और हमारा मन का एरिया अर्थात हमारे मन तो कोई फिजिकल चीज तो है नहीं जिसका हम लेंथ और ब्रेथ लेकर के एरिया निकाल सके, लेकिन मन का एरिया है उसकी क्षमता, उसकी शक्ति, जिसको हम यहाँ कहते हैं कोपिंग एबिलिटी। अब हम क्या कोशिश करते हैं जब भी लाइफ में हमें कोई भी प्रकार का स्ट्रेस आता है, कोई भी प्रकार का प्रेशर आता है, तो हम क्या कोशिश करते हैं?
हम कोशिश करते हैं कि हम जो कारण है स्ट्रेस का, फोर्स है जो सिचुएशन का, जो मुझे बाहर से महसूस हो रहा है, उस फोर्स को मैं खत्म करूं, उस सिचुएशन से ही, या तो उस सिचुएशन को खत्म करूं या उस सिचुएशन से भाग जाऊं, या ये काम जो मुझे टेंशन दे रहा है ये किसी और पे डाल दूं, या आज नहीं करेंगे कल करेंगे इसको, उस चीज को आगे के लिए टाल दूं, उससे बच जाऊं। हम ये सब चीजें ट्राई करते हैं, हम न्यूमरेटर पे ध्यान देते हैं हमेशा। कोरोना आ गया, लॉकडाउन है, घर में रहना पड़ेगा, लोगों की जॉब जा रही है, रिसेशन के हालात बने हुए हैं, प्रोडक्शन बंद है, लोग जो हैं वो सारे अपने एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस हैं, एक्स्ट्रा रिसोर्सेस को कट कर रहे हैं। ये सब चीजें हमें आसपास दिखाई दे रही है और यही हमारा ध्यान लेती है और यही हमें स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि एक भी चीज मुझे अपने अनुसार होती नहीं दिखती और हर चीज का प्रभाव तो मुझ पे पड़ने ही वाला है, ये तो मुझे पता ही है। अब इस सिचुएशन में एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई, हम जाएं तो जाएं कहां? सोच सोच के जीवन में हम स्ट्रेस को डेवलप कर देते हैं। अभी अगर आप लोग चैट पे उत्तर दे सकें तो बहुत अच्छा होगा, तो मैं भी अपना चैट विंडो ओपन करती हूँ साथ साथ में। तो आप बताइए, अगर फोर्स बढ़ता जा रहा है, न्यूमरेटर बढ़ता जा रहा है, तो स्ट्रेस का क्या होगा? इस इक्वेशन के मुताबिक अगर न्यूमरेटर बढ़ता जा रहा है, फोर्स सिचुएशन का बढ़ता जा रहा है, एक के बाद चीजें आती जा रही हैं, तो स्ट्रेस का क्या होगा? इट विल इंक्रीज। और बाकी क्या कहते हैं? ब्लास्ट। एक व्यक्ति का एक्यूरेट आंसर आया है, आप सब इंक्रीज कह रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन हम पढ़ते थे साथ साथ इस इक्वेशन के, कि डिनोमिनेटर कांस्टेंट है और न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो क्वेश्चन इंक्रीज होगा। अब मान लीजिए मैं आपको ये इक्वेशन के जो कंडीशंस है वो कंप्लीट बताती हूँ। अभी फोर्स बढ़ रहा है लेकिन उससे डबल रेट पर डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, अब स्ट्रेस का क्या होगा? न्यूमरेटर बढ़ रहा है, पहले मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, अभी पूरी कंडीशन बताती हूँ कि न्यूमरेटर तो बढ़ रहा है लेकिन उससे डबल रेट पर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, अब स्ट्रेस का क्या होगा? अब स्ट्रेस कम होगा, इट विल डिक्रीज, राइट? ये हम अपनी लाइफ में अप्लाई करने से चूक जाते हैं। हम आधी चीज देखते हैं कि फोर्स बढ़ रहा है सिचुएशन का। अब आप सोचिए, फोर्स बढ़ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है फोर्स बढ़ रहा है, आप समझ जाते हैं कि अगर इस फोर्स के लिए मैंने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया, यानी कि मैंने अपनी कोपिंग एबिलिटी नहीं बढ़ाई, तो स्ट्रेस बढ़ेगा। अब जो आपके पास समय है थोड़ा सा, जब तक वो फोर्स एक्चुअली आप पे अपना असर दिखाए, उतने समय में मैं आपको दो ऑप्शन देती हूँ। ऑप्शन वन, आप कोशिश करेंगे कि सिचुएशन जो है फोर्स वाली, उस सिचुएशन को ही या तो खत्म कर दें या खुद वहां से भाग जाएं। ये ऑप्शन वन है, थोड़ा समय आपके पास है, आप फोर्स को या सिचुएशन को बदलने की कोशिश करें, या ऑप्शन टू, आप अपनी कोपिंग एबिलिटी को बढ़ाने में लग जाएं ताकि आपको स्ट्रेस महसूस ना हो। कौन सा ऑप्शन आपको लगता है समझदारी का होगा? तो आप सब तो जानते ही हैं और सही उत्तर भी दे रहे हैं कि हमें, और अगर हम चाहें सिचुएशन को ठीक करना तो कितना कर सकते हैं। छोटा सा आपको एक सच का इंसिडेंट बताती हूँ, जो हम लोग का जो सेंटर है, ये मैं जहाँ से आपसे जुड़ रही हूँ, गुड़गांव में ब्रह्मा कुमारी, इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंटरनेशनल स्तर का एक रिट्रीट सेंटर है, जहाँ पे हम लोग समय प्रति समय इस वर्ष से पहले बहुत सारे नेशनल कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स, रिट्रीट्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कॉरपोरेट के करते रहते थे। ये ओम शांति रिट्रीट सेंटर के नाम से डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव में है, जाना जाता है। तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे सेंटर्स भी हैं, जो आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में ब्रह्मा कुमारी के सेंटर्स रन होते हैं। तो एक हमारा सेंटर था, वहाँ पर फ्लैट्स में जहाँ पे सेंटर था उसी के ऊपर वाले फ्लोर में, एग्जैक्टली ऊपर एक मकान में एक छोटा बच्चा रहता था,
और वो बच्चा फिफ्थ क्लास में पढ़ता था। फिफ्थ क्लास में जब उसका रिजल्ट आया तो वो कभी कभी अपनी मदर के साथ में सेंटर पे मेडिटेशन सीखने के लिए और करने के लिए आता था। तो जब उसका एग्जाम का रिजल्ट आया तो वो बहुत खुश होकर के सेंटर पे आया। तो उसने बताया कि दीदी आज मेरा रिजल्ट आया है। हमने बोला बहुत अच्छी बात है, क्या रिजल्ट आया? तो वो अपनी क्लास में थर्ड आया था। तो जाहिर सी बात है, बच्चे का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए और थर्ड आना बच्चे के लिए भी खुशी की बात है, क्योंकि उसके लिए सफलता का कदम है, छोटा ही सही, पेरेंट्स को भी खुशी होती है। तो हमने उसको खूब उसको तारीफ की, उसको मिठाई भी खिलाई और उसको बोला ऐसे ही मेहनत करते रहना और अगले साल इससे भी अच्छा करना। तो बच्चे का उत्तर था, दीदी अगले साल तो मैं फर्स्ट आऊंगा, अभी वो उसने क्लास में एंटर किया नहीं है, अभी से उसको अंदर से कॉन्फिडेंस है मैं अगले साल तो फर्स्ट आऊंगा। बच्चे का उमंग देख करके हम और भी खुश हो गए। हमने कहा बिल्कुल वेरी गुड, ऐसे ही आपको अपने मन में यही संकल्प करना है। ऐसे ही पूछ लिया हमने, तो फर्स्ट आने के लिए आप क्या करोगे? बच्चे का उत्तर, बच्चे ने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा फर्स्ट आने के लिए। हमने कहा फिर फर्स्ट कैसे आएंगे? तो बच्चे ने कहा जो फर्स्ट आया है बच्चा वो स्कूल चेंज कर रहा है, जो सेकंड आई है लड़की वो उसके फादर का ट्रांसफर हो रहा है वो भी स्कूल चेंज कर लेगी, थर्ड तो मैं हुई तो अगले साल मैं फर्स्ट आ जाऊंगा। अब आप सोचिए क्या इस प्रकार की सोच से वो फर्स्ट आने के लिए प्रिपेयर्ड है? वो अपने सामने सिर्फ दो को देख रहा है जो इस समय उससे आगे है, फर्स्ट और सेकेंड, और उसको लग रहा है ये दोनों हट गए तो मैं तो थर्ड हूं, फिर तो मैं अपने आप ही खिसक करके फर्स्ट आ ही जाऊंगा। क्या उसका ये सोचना सही है? क्या उसकी ये प्रिपरेशन उसको फर्स्ट लाने के लिए सही है, काफी है? आप लोग चैट में लिख सकते हैं यस या नो, व्हाट डू यू थिंक? आप तो अनुभवी हैं, वो तो अनुभवी नहीं था, उसने तो बचपन में यह बात बोल दी, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि ये सोच फर्स्ट आने के लिए, आगे बढ़ने के लिए काफी नहीं है। लाइफ में भी ऐसे ही हम गलती कर जाते हैं। बच्चे को के बारे में सोच रहे हैं तो हम समझ सकते हैं, लेकिन इस बात को अपने ऊपर हम कम अप्लाई करते हैं। कैसे? हमें लगता है ये चीज लाइफ में हो रही है, इस कारण को मिटा दूं तो मैं स्ट्रेस से फ्री हो सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, ये कारण मुझे रोक रहा है। लेकिन हमें सिर्फ वही कारण दिख रहा है जो इस समय मेरे सामने है, जो इस समय मुझे स्ट्रेस दे रहा है, और हम उस कारण पे लग जाते हैं, उसको हटाने में लग जाते हैं, ये नहीं समझ पाते कि कोई ना कोई कारण मेरे पीछे भी है जो कब मेरे आगे आ जाए मुझे नहीं पता। कौन सा बच्चा अभी इस समय में भी कहीं भी रैंकिंग में ना हो लेकिन अगले साल मेहनत करके वो आगे आगे खड़ा हो जाए मुझे नहीं पता। तो मुझे दूसरे को एलिमिनेट करने में नहीं लेकिन अपनी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करना है। जिसको अगर मैं अपनी लाइफ में समझूं तो हमें सिचुएशन, आज मेरे सामने दो सिचुएशन तीन सिचुएशन होंगी जो मुझे अपनी लाइफ में स्ट्रेस दे रही हैं। एक तो कोरोना हो गया, हेल्थ इश्यूज हो गए हैं, कोई आपको लोन चुकाना है अभी इस समय पे, हर जगह पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, लॉट ऑफ थिंग्स कुड बी देयर। हम सोचते हैं ये सिचुएशंस मेरे सामने अड़चन बनी हुई हैं, ये सिचुएशन ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये ठीक हो गई तो दूसरी तैयार खड़ी है। आप किन किन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं बाहर से, और क्या ये आज आप देखिए जो भी कारण आपके स्ट्रेस के है, मैं आपको डरा नहीं रही हूं लेकिन मैं आपको आईना दिखा रही हूं। आज अगर आप देखिए वर्क प्रेशर, आज से 5 साल बाद कम होगा या बढ़ेगा? आप अगर देखिए कंपटीशन, आज से 5 साल बाद कम होगा या बढ़ेगा? महंगाई, आज से 5 साल कम होगी या बढ़ेगी? बच्चों की फीस, पढ़ाई के अंदर प्रेशर, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, सड़क पे ट्रैफिक, ग्लोबल वार्मिंग, करप्शन, टेररिज्म, हेल्थ इश्यूज, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगता है आगे चल के कम हो जाएगी? इनमें से तो कोई नहीं। और आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो इस हालत में तो फिर हम ये मान के बैठ जाएं कि स्ट्रेस आना तो लाजमी है, स्ट्रेस तो आएगा ही, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर तो हमें ये सेशन करने की भी जरूरत नहीं है।
स्ट्रेस को ओवरकम करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमने मान ही लिया कि सब कुछ ये सब फोर्स सिचुएशन का है और ये सब बढ़ेगा, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो स्ट्रेस तो बढ़ना ही है। तो एक हाथ पे हाथ रख करके हम बैठ जाते हैं कि हम तो शिकार हुए ही हुए, लेकिन नहीं, हमें पता है अगर न्यूमरेटर बढ़ रहा है क्यों ना मैं डिनोमिनेटर को बढ़ाने में अभी से लग जाऊं, और इतना कि कितना भी फोर्स आ जाए कहीं से भी आ जाए, लेकिन जब मेरा डिनोमिनेटर इनफाइनाइट होगा तो न्यूमरेटर कुछ भी हो क्वेश्चन क्या रहेगा। जब आपका डिनोमिनेटर इनफाइनाइट है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट इज इक्वल टू एनीथिंग, न्यूमरेटर कुछ भी हो ए बी सी डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो। सो जैसे जैसे मेरी क्षमता टेंड्स टू इंफिनिटी, स्ट्रेस विल टेंड टू जीरो। और अगर कोपिंग एबिलिटी डिनोमिनेटर जीरो है, सिचुएशन वन भी होगी ना, तो भी स्ट्रेस लेवल कितना होगा हमारा, इनफाइनाइट। कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी व्यक्ति से आपने इतना ही पूछा भाई आज ये काम हो जाएगा ना, सामने से रिस्पॉन्स आएगा कर ही तो रहे हैं, इंसान ही तो है, आपको तो तरस ही नहीं आता है, हम सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, आपने कभी हमें कोई हेल्प नहीं दी, ये नहीं दिया। अब वो सोच रहा है मैंने ऐसा भी क्या कह दिया था, ये तो नहीं कहा था अभी करके, तो ना तो मैंने जोर से बोला, ना तो मैंने डांट लगाई। आपके संग भी कभी हुआ होगा, आपने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, इतना फायरिंग रिस्पॉन्स सामने से आया और बिना किसी बात पे झगड़ा शुरू हो गया। तो उस झगड़े का कारण आपका पूछना या फोर्स जो आपने वन यूनिट एग्जर्ट किया होगा मे बी वो नहीं था। हो सकता है उस व्यक्ति की उस समय कोपिंग एबिलिटी जीरो हो, थोड़ा सा भी आपने उनको कोई बात कही और एकदम से स्ट्रेस लेवल उनका इनफाइनाइट हो गया। आप अपने हाथ से अपनी टेबल को पुश कीजिए या कोई कुर्सी को पुश कीजिए, कोई ग्लास को धक्का दीजिए, एक उंगली से भी वो खिसक जाएगा, और उतना ही एक उंगली वाला प्रेशर आप इस दीवार पे लगाइए जो आपको दिख रही है, दीवार तो तस से मस नहीं होगी। चलिए 10 गुना लगा दीजिए, 10 उंगलियां लगा दीजिए तो भी दीवार का कुछ नहीं बिगड़ेगा, 10 लोग लगा दीजिए तो भी दीवार का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप फोर्स बढ़ाते रहिए, दीवार खड़ी है, क्यों? क्योंकि उसकी कोपिंग एबिलिटी ज्यादा है। तो सिचुएशन हमारे सामने आज जो है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये जरूर कहूंगी बाहर ठीक होना हो, अगर हमने अपने आप को प्रिपेयर करने की तरकीब जान ली, अपनी क्षमता बढ़ाने की हमको तरकीब जान ली, तो हमारा स्ट्रेस लेवल जरूर जीरो हो सकता है। लोग कहते हैं कोरोना जाने के बाद दुनिया बदल जाएगी, बिल्कुल बदलेगी, लेकिन कैसे बदलेगी ये हम पे डिपेंड करता है, हमारी दुनिया कैसे बदलेगी ये हम पे डिपेंड करता है। हमारी दुनिया में डर आएगा या हमारी दुनिया में कहीं ना कहीं एक शक्ति आएगी कि जो भी होगा। ब्रदर जब इंट्रोड्यूस कर रहे थे मुझे, श्याम जी, तो कह रहे थे कि गीता के आधार पे, गीता के समय पे बहुत सुंदर एक बात आती है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, ऐसा क्या वाक्य है जो अगर मैं दुख में सुनूं तो खुश हो जाऊं और सुख में सुनूं तो दुखी हो जाऊं। एक ही वाक्य, एक ही सेंटेंस, वही शब्द, लेकिन दुख के समय पे वो मुझे खुशी दे और खुशी के समय पे वो मुझे दुख दे, क्या ऐसा कोई वाक्य है? श्री कृष्ण का जवाब था, बिल्कुल, ये समय बीत जाएगा। यदि आप दुख के समय सुनेंगे तो क्या आएगा मन में, दुख के समय ये समय बीत जाएगा, धीरज, सहन शक्ति, और सुख के समय तो ये सुख का समय भी बीत जाएगा, तो इसका एक भी पल जाया ना होने दें, इसके एक एक पल का अच्छे से अनुभव करें। तो ये समय भी बीत जाएगा, दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी, लेकिन दुनिया किससे बनती है? दुनिया बनती है लोगों से, दुनिया सड़कों से नहीं बनती, दुनिया धरती आकाश अग्नि वायु से नहीं बनती, दुनिया बनती है लोगों से। इस दुनिया को कैसे बदलना है ये हम पे डिपेंड करता है। इस कोरोना के जाने के बाद हम डर से जीना शुरू कर दें या जागरूकता से जीना शुरू कर दें, अपनी गलती का अभी तो अनुभव हो रहा था कि अरे
हमने ये नहीं किया था, लापरवाही बरती थी, केयरलेस हुए थे, इसलिए ये सिचुएशन आई। ये चीज जागरूकता आती है या डर आता है, ये हम पे डिपेंड करता है, क्योंकि सिचुएशन तो बदल जाएगी, लेकिन उस सिचुएशन जब चल रही थी उस दौरान मैंने अपने मन में क्या इंप्रेशन क्रिएट कर लिया, वो बहुत मुश्किल से बदलता है। कोई चीज आप जब सीख लेते हैं उसको अनलर्न करना आप सबको अनुभव होगा, कभी कभी बच्चों को कोई ऐसी आदत लग जाती है, उस आदत को मिटाने में बहुत समय लग जाता है। इसलिए उस सिचुएशन को मैंने अपने माइंड में कैसा उसका प्रभाव डाल लिया, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर बदलना ही है तो सिचुएशन को बदलने की कोशिश ना कीजिए, वो तो वैसे ही बदल जाएगी, लेकिन उस सिचुएशन के बाद मेरी कोपिंग एबिलिटी कैसी बनेगी ताकि मैं अगली सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार कर सकूं अपने आप को, ये मुझे करना है। तो इसके लिए हमें ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज तक हमने स्ट्रेस को सिर्फ नेगेटिवली ही नहीं, कभी कभी इसको वेपन की तरह भी यूज किया है। तो आपको क्या लगता है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस इम्पोर्टेंट है? थोड़ा बहुत तो रहे ना लाइफ में, या पूरा चला जाए, क्या चाहते हैं? ऑप्शन वन, थोड़ा बहुत तो रहना चाहिए। ऑप्शन टू, पूरा चला जाए, जीरो हो जाए, क्या चाहेंगे आप? अच्छा, कुछ ऑप्शन टू कह रहे हैं, कुछ ऑप्शन वन कह रहे हैं। तो इस पे मुझे याद आता है, हो गई है दोस्ती आपकी तनाव से इस कदर कि कभी कभी तनाव होता है, तनाव ना होने पर कि मेरे एग्जाम में मुझे टेंशन क्यों नहीं हो रही है, उस बात की टेंशन बच्चों को हो जाती है ना। कभी किसी ने कोई कभी कोई बात हो गई तो लोग बोलते हैं तुझे टेंशन नहीं हो रही, और आप सोचते हैं हाँ सच में मुझे टेंशन क्यों नहीं, कुछ तो गड़बड़ है जो मुझे टेंशन नहीं हो रही है। सब लगे हुए हैं प्रेजेंटेशन बनाने में, कल क्लाइंट मीटिंग है, सबको स्ट्रेस हो रही है, मुझे टेंशन क्यों नहीं हो रहा। कोई हंसता हुआ आता है ऑफिस में तो सब पूछते हैं क्या क्या बात है, आज बड़े खुश है। कोई लटका हुआ चेहरा लेकर के आएगा, कोई नहीं पूछेगा, हुआ होगा कुछ, सबके साथ होता रहता है। तो हम इतने आदि हो चुके हैं नेगेटिविटी की अपनी लाइफ में कि हमें विजुअलाइज ही नहीं होता कि अगर स्ट्रेस नहीं होगा लाइफ में तो हम क्या करेंगे, लोग हमारा काम कैसे करेंगे। तो यहाँ आपको ये बता दें कि स्ट्रेस होना और रिस्पॉन्सिबिलिटी होना ये दो अलग अलग बातें हैं। स्ट्रेस होना और रिस्पॉन्सिबिलिटी होना अलग अलग बातें हैं। आपको सर्दी जुकाम हो जाए, फीवर लग जाए, आप क्या कहेंगे डॉक्टर से कि फीवर मेरा हट जाए क्योंकि मैं काम नहीं कर पा रहा लेकिन सर्दी जुकाम चलता रहे मेरा? डॉक्टर कहेगा आपके फीवर का कारण ही सर्दी जुकाम है। बॉडी में अगर कोई भी परेशानी होती है, कहीं पस पड़ जाए तो क्या कोशिश करते हैं, थोड़ी बहुत पस रह जाए बाकी पाकी निकाल दे या पूरी निकाल दे, क्या कोशिश करते हैं? जो सोचते हैं थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहना चाहिए वो बताएं। बॉडी में अगर थोड़ी बहुत बीमारी रह जाए तो चलेगा। कैंसर हो गया किसी को, 90% कैंसर सेल्स को आपने काट हटा दिया, ऑपरेट कर दिया, कीमो हो गई, अब 10% रह गया था, डॉक्टर छोड़ दे वहीं पर ट्रीटमेंट करना, तो क्या होगा? हम सोचेंगे ना पूरा सही होना चाहिए। अगर पिन पॉइंट भी बॉडी में पस रह गई, एक भी कैंसर का सेल बॉडी में रह गया तो बहुत जल्दी वो पूरी की पूरी बीमारी क्रिएट कर देगा। इसलिए बिल्कुल भी नहीं, स्ट्रेस भी एक मेंटल पैंडेमिक है। आप अब जैसे अभी इस समय पे दुनिया में पूरा ये पैंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, तो दुनिया में सबको कोरोना हो रहा है, तो क्या मैं ये कहूँ हाँ ठीक है सबको ही तो हो रहा है मुझे भी हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, कॉमन है ना। तो अब तो नॉर्मल है, नॉर्मल है, कह सकते हैं नॉर्मल है, यस या नो? सबको, पूरी दुनिया में इतने लाखों लोगों को हो गया, लाख से भी शायद ऊपर ना हो गई हो, पता नहीं, मुझे तो हमें पता नहीं होता, हम इतना फॉलो नहीं करते न्यूज को, लेकिन अगर सबको लाखों को भी हुआ तो मैं क्या ये कहूँ लाखों को तो हो गया, अब तो कोरोना नॉर्मल हो चुका है, हो जाए मुझे भी हो जाए, छोड़ो मास्क, छोड़ो सोशल डिस्टेंसिंग, मैं क्या कहूँ, इज इट नॉर्मल? नो, इनफैक्ट जितना ज्यादा बीमारी बढ़ती है, जितना ज्यादा
लेवल पे पहुंचती है, सबको हो जाए, तो उसको एपिडेमिक, अब तो पैंडेमिक हो गया, पैंडेमिक के लिए फिर ट्रीटमेंट नहीं, उसके लिए वैक्सीनेशन शुरू ढूंढना शुरू कर देते हैं। वैक्सीनेशन आते ही छोटे बच्चों को पहले से ही कि जीवन में कभी ना हो, तो फिजिकल एलिमेंट के लिए तो हम इतना ध्यान रखते हैं। स्ट्रेस, बिकॉज एवरीबडी इज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस, इज इट नॉर्मल? कोविड तो अभी पैंडेमिक बना है, स्ट्रेस तो कब से पैंडेमिक है, हमने ऐसे कभी पैंडेमिक समझा ही नहीं था। हम खुद ही ग्रसित हैं, औरों को भी कर रहे हैं, लेकिन हम इसको पैंडेमिक मानते ही नहीं थे, और ही दोस्ती करके बैठे थे, थोड़ा बहुत तो आ जा, कभी कभी तो चाय पानी पूछ ले। सो स्ट्रेस इज अ ग्रेटर पैंडेमिक। कहते हैं चिंता चिता के समान है, चिता चिता से तो बच के कोई नहीं आता ना, एक बारी चलो कोरोना से तो ट्रीटमेंट हो जाएगा, चिता से तो बच के कोई नहीं आ सकता ना, अंदर अंदर इट्स अ स्लो पॉइजन। एंड इंडिया इज बिकमिंग द वर्ल्ड कैपिटल फॉर टू थिंग्स, वन इज डायबिटीज, वन इज हार्ट इश्यूज, दोनों का कारण स्ट्रेस तक पहुंचता है, दोनों का कारण। जेनेटिक इश्यूज अलग है, हेरिडिटरी अलग है, फैमिली हिस्ट्री अलग है, लेकिन उसके अलावा स्ट्रेस इज वन थिंग फाउंड कॉमन इन बोथ दीज थिंग्स, और इंडिया हैज बिकम वर्ल्ड कैपिटल फॉर दीज टू प्रॉब्लम्स एंड मेनी मोर। बहुत सारी प्रॉब्लम्स सर उठा के खड़ी है, क्यों? क्योंकि हमने अपने मन के अंदर नेगेटिविटी का द्वार खोल दिया है और स्ट्रेस, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिफरेंट और स्ट्रेस होना इज डिफरेंट। आप सबको अनुभव होगा, जब आप कभी कोई एग्जाम लिखते थे, कोई एग्जाम, एक क्वेश्चन बाकी है, 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट बहुत है वो क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, और लेकिन वार्निंग बेल अगर बज चुकी है, और अगर आपने अपने स्ट्रेस मोड को ऑन कर दिया, तो अब आपकी परफॉर्मेंस लास्ट 10 मिनट्स में कैसी होगी? आपने अपने स्ट्रेस मोड को ऑन कर दिया, वार्निंग बेल बजते ही बच्चे का स्ट्रेस मोड ऑन हो गया, वो आंसर बच्चे को आता है, बच्चा कर सकता है उसको, लेकिन क्योंकि उसका स्ट्रेस मोड ऑन हो गया, अब क्या होगा बच्चे का? उसके हाथ कांपने लग जाएंगे, मैथ्स का पेपर है तो सिली मिस्टेक्स हो जाएगा, नहीं भी सिली मिस्टेक होगी तो राइटिंग के मार्क्स कट जाएंगे। अगर वार्निंग बेल बज गई और उसको अंदर मन में आ गया, चलो थैंक गॉड मेरा सारा पेपर टाइम पे हो गया, एक क्वेश्चन ये तो मुझे आता है, तो वही स्टिमुलस जो वार्निंग बेल किसी को स्ट्रेस में लेके आएगा, किसी को कॉन्फिडेंस में लेके आएगा, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी में लेकर के आएगा, हर एक को इक्वल नहीं होगा, क्योंकि हर एक की कोपिंग एबिलिटी डिफरेंट है, फोर्स एक ही चीज का है, सबने बेल सुनी, सबका एक क्वेश्चन बाकी है, लेकिन एक व्यक्ति स्ट्रेस मोड में आकर के बिगाड़ देगा अपना एक क्वेश्चन अच्छा भला, और एक व्यक्ति जो स्ट्रेस नहीं लेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करेगा, जब इतना टाइम पे किया है तो ये भी एक टाइम पे करना है, ये भी टाइम से पहले करना है। सो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसी सिचुएशन के अंदर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी मोड को ऑन करते हैं या अपने स्ट्रेस मोड को ऑन करते हैं। सो इफ यू थिंक स्ट्रेस इज नेचुरल एंड नॉर्मल, आप कभी ओवरकम नहीं कर पाएंगे। आपको पता है कोविड नॉर्मल नहीं है, महामारी है, पूरे विश्व के अंदर एक वैश्विक महामारी है, तो आप उससे बचाव कर रहे हैं, छोटे सा भी सिम्टम होता है तो आप तुरंत डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट कराते हैं, कहीं कोविड ही ना हो, क्योंकि आपको पता है नॉर्मल नहीं है। अगर नॉर्मल मान लेंगे तो कल ही ग्रसित हो सकते हैं और उसके बाद कभी भी उससे ओवरकम नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रेस क्यों आज हमारे लाइफ में ऐसा हिस्सा बन गया है? क्योंकि हमने इसको नॉर्मल मान लिया, सबको है तो नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल नहीं है। दूसरा, ये डिजीज है, इसको पूरा क्योर करना है। चिंगारी अगर लगाई है, बम फटता है कि नहीं फटता है, ये चिंगारी पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर बारूद है कि नहीं। बारूद है तो निश्चित है फटना, चिंगारी भी काफी है उसको ब्लास्ट करने के लिए, लेकिन अगर बारूद नहीं है उसके अंदर या सीला हुआ है पटाखा, तो चिंगारी क्या आप उसको आग में भी फेंक दीजिए, आग भी बिगाड़ नहीं सकती कुछ। तो हम चिंगारी से ही ब्लास्ट हो जाते हैं, हम इतने अंदर से सक्षम है, अपने अपने अंदर का बारूद बिल्कुल हटा दिया है मन का, जो कोई भी बात आ जाए लेकिन हम पर उसका प्रभाव नहीं होगा।
तो कभी भी लाइफ में आपके कोई भी सिचुएशन हो, आप अपने आप से ये क्वेश्चन जरूर पूछ लेना, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? अगर उसका आंसर है नो, देन वाई वरी, प्रॉब्लम ही नहीं है ना, तो चिंता की कोई बात ही नहीं है, खत्म। और दूसरे की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम ना बना ले। लेकिन आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन वाई वरी? और अगर प्रॉब्लम है तो फिर दूसरा प्रश्न पूछिए, ठीक है प्रॉब्लम है, किसके लाइफ में नहीं होती है, सबकी लाइफ में है, सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का? अगर सोल्यूशन है देन वाई वरी, और अगर सोल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का, तो अपने आप से पूछिए, क्या यह समय फिर चिंता करने का है कि सोल्यूशन क्रिएट करने का है? जवाब आपको अंदर से मिलेगा, चिंता करके क्या होगा? अगर सोल्यूशन नहीं है तो बिल्कुल भी चिंता करने का समय नहीं है, ये समय सोल्यूशन क्रिएट करने का है, देन वाई वरी, चिंता क्यों? तो लाइफ में से नो टू स्ट्रेस, और मेरी खुशी मेरे हाथ में है, मेरी सुरक्षा मेरे हाथ में है। सो आज के लिए मैं आपको यही कहना चाहती थी कि स्ट्रेस होता है या नहीं, ये सिचुएशन पे नहीं, ये मेरे हाथ में है। कुछ बातें अपने आप से पूछते रहे, तो हम कोई भी सिचुएशन में अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं, अपनी कोपिंग एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो अब आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो उन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास ऑलरेडी आया है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, ठीक है, शॉर्ट में बिल्कुल इसका आंसर देती हूँ, क्योंकि टॉपिक तो हमारा स्ट्रेस का था, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा है। तो ब्रह्मा कुमारीज की स्थापना 1936 में हुई थी, दिस वॉज बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, 1936 में, और बहुत छोटे रूप से हुई थी। धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी का जो मैसेज ब्रह्मा कुमारीज देती है, उसने जब लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया, तो धीरे धीरे ये संस्था माउंट आबू में इसका हेडक्वार्टर्स बना, और वहाँ से पूरे देश में अलग अलग ब्रांचेस खुलते गए धीरे धीरे करके। ये शुरू हुआ 1950 से, 1936 से लेकर 1950 तक, ये 14 साल, तो कुछ 300 लोगों से जो शुरू हुई संस्था, जिसमें मैक्सिमम महिलाएं थी, इसलिए इसका नाम ब्रह्मा कुमारीज पड़ा। ब्रह्मा अर्थात स्थापन करने की शक्ति, जो स्थापना करे, क्योंकि हम अपने मन में पॉजिटिविटी की स्थापना करते हैं, एक पॉजिटिव दुनिया की स्थापना करने के लिए, हर एक के मन में वो पॉजिटिविटी आए, उसके लिए हम प्रयासरत हैं, इसलिए ब्रह्मा अर्थात जो नई सृष्टि की स्थापना करते हैं, नई सृष्टि नई सोच से बनेगी, वो नई सोच हमारे अंदर ज्ञान से आती है, और वही ज्ञान हम ब्रह्मा कुमारीज में राजयोग मेडिटेशन का सीखते हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमारीज, क्योंकि इट्स नॉट अ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एवरीवन, बाय एवरीवन, इसमें महिलाएं ही नहीं, इसमें पुरुष भी हैं, लेकिन क्योंकि महिलाओं द्वारा संचालित है, इसलिए ब्रह्मा कुमारीज कहते हैं। सो 14 साल उन 300 लोगों ने तपस्या की, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी का स्वरूप बनाया, 1950 से माउंट आबू हेडक्वार्टर से अलग अलग सिटीज में जाकर के सेंटर्स ओपन हुए, और उसके बाद थोड़े थोड़े समय बाद 1970s में ये इसके सेंटर्स जो है वो बाहर के कंट्रीज पे भी स्थापित हुए। आज ये 137 कंट्रीज में इसके थाउजेंड्स ऑफ ब्रांचेस हैं, हर एक धर्म, हर एक भाषा, हर जाति, हर समुदाय, हर प्रोफेशन के लोग इससे जुड़ कर के लाभ ले रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के साथ भी सलाहकार रूप से संस्था कार्य कर रही है। शॉर्ट में आपको इसका कैसे जेनेसिस हुआ वो बताया। थैंक यू सो मच विधात्री जी फॉर दिस वंडरफुल सेशन। तो जैसे कि आपने बताया, अब समय है क्वेश्चन आंसर राउंड का, तो मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप किसी भी तरीके का सवाल पूछना चाहते हैं हमारे धात्री जी से, स्ट्रेस रिलेटेड, एंजाइटी रिलेटेड, डे टू डे चैलेंजेस रिलेटेड, तो आप चैट के माध्यम से हमसे एक एक करके अपने सवाल भेज सकते हैं। विधात्री जी, हमारे इस सेशन में निवेश.com के भी कुछ एम्प्लॉयज जुड़े हुए हैं, तो उनकी तरफ से भी कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे एक एक करके पूछूंगी। जरूर।
जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया कि स्ट्रेस मोड ऑन हो जाता है और हम लास्ट में पैनिक कर जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में हम कैसे उसे ओवरकम कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? तो जब हमने समझ लिया है कि स्ट्रेस मोड ऑन मेरा क्यों हुआ, क्योंकि मेरी कोपिंग एबिलिटी नहीं थी, मैं उस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी, राइट? तो हमें ये समझ में उस समय अपने आप को, हमें एक तरह से अपने आप से जुड़ना है, जो हम स्पिरिचुअलिटी से कर पाते हैं, मेडिटेशन से हम कर पाते हैं। कोई भी सिचुएशन आती है तो मेरे पास दो चॉइस है, एक तो ये कि मैं सिचुएशन के अंदर घिर जाऊं और सिचुएशन क्यों आई, कैसे आई, किसने क्रिएट की, किसको ब्लेम करें, किसकी वजह से हुआ, अब इसका क्या होगा, अगर ये नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, इन क्वेश्चंस में चली जाऊं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मोड ये कहता है कि इस सिचुएशन में मैं इस समय इतना कर सकती हूं, तो मैं उतने से शुरू करूं, अपना कर्म करना शुरू करूं। जैसे अगर आपको एक पीपल का पेड़ काटना है, आप पीपल के पेड़ को या एक बरगद के पेड़ को कैसे काटते हैं? बाकी पेड़ तो आप तने को काटते हैं, पेड़ कट जाता है, अगर आप बरगद के पेड़ को तने से काटेंगे तो पेड़ आपके ऊपर ही आएगा। तो आपको पता है इतना सारा आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी टहनियां काटना शुरू करते हैं, और जब टहनियां कटते 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 थोड़ा सा रह जाता है, फिर आप उसको तने से काट सकते हैं। तो मेरे सामने पहाड़ जैसी सिचुएशन है जो मुझे स्ट्रेस दे रही है, हम पूरी सिचुएशन को देखते हैं तो हमको स्ट्रेस होता है कि ये मैं कैसे करूं। आप सोचिए, इस समय पे मैं इस पूरे पेड़ को तो नहीं काट सकती, लेकिन ये टहनी से शुरू कर सकती हूँ। हिम्मत करने वाले के पास, के साथ भगवान होता है, खुदा होता है। आप जितना कर सकते हैं वहां से शुरू करें, एक के बाद रास्ता आपके सामने खुलता जाएगा। पूरे सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अपना एक्शन प्लान बनाए, यहां से शुरुआत करनी है, फिर यहां से, फिर इसके बाद ये, धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते जाएंगे। पूरा चीज देख करके, क्वेश्चंस में उलझ करके रुक ना जाए। और हमेशा याद रखिए, आप अगर अकेले हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आपके साथ में परमात्मा सर्वशक्तिवान है, जिसको हमने मातपिता कहा, क्यों नहीं वो मेरे साथ होगा, अगर मैंने उनको सच्चे दिल से याद किया है तो मेडिटेशन हमें परमात्मा से भी जोड़ता है। बच्चा छोटा है, अंधेरे कमरे में नहीं जा रहा, लेकिन अगर उसकी माँ साथ में आ जाए और उसकी माँ बोले चलो पकड़ो मेरा हाथ, मैं ले चलती हूँ, तो बच्चा नहीं डरता। बच्चे को पता है अंधेरा मुझ पे हावी हो सकता है, लेकिन मेरी माँ पे, मेरे पिता पे नहीं। तो अगर मैंने परमात्मा का हाथ पकड़ा है, अगर मैंने अपने अच्छे कर्मों का हाथ पकड़ा है, अच्छी सोच का हाथ पकड़ा है, तो सिचुएशन मुझ पे हावी हो सकती है, लेकिन जिसके साथ हूं उसके सामने वो सिचुएशन कुछ भी नहीं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जी धन्यवाद। अगला सवाल जो कि एक मोस्ट कॉमन सवाल है कि जब हम पैनिक में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, हमारा ब्रेन जो होता है वो काम करना है उस समय बंद कर देते हैं और कुछ भी तरीके के पॉजिटिव थॉट्स नहीं आते उस टाइम, नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आते रहते हैं, तो उस चीज को हम कैसे कोप अप कर सकते हैं, कैसे उस सिचुएशन में हम खुद को संभाल सकते हैं? जी, तो आपका प्रश्न है कि अब पैनिक मोड प्रेस हो चुका है, अब इसको वापस से ऑफ कैसे करें एक्चुअली। तो पहली बात तो हम कह रहे हैं कि हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है ताकि वो पैनिक मोड ऑन ही ना होने दें हम, है ना? तो ये चीज तो तब काम में आएगी जब आप ऑन ही ना होने दें, लेकिन अब ऑन हो चुका है। अब आप जिस कमरे में है उस कमरे में आग लग चुकी है, तो आप क्या करेंगे? आग को देखते हुए आप अपना रास्ता निकालेंगे ना, कि मुझे इस रास्ते से निकलना है। तो हम उस समय पे अपने आप से, अब पैनिक मोड ऑन हो चुका है, तो आई हैव टू आस्क माई सेल्फ, मैक्सिमम वर्स से वर्स क्या हो जाएगा, वर्स से वर्स क्या हो जाएगा? जिस चीज को मैंने अपना टेम्पररी आधार माना हुआ है, कोई भी सिचुएशन है वो उस चीज पे इफेक्ट करेगी। मिसाल के तौर पे हमारे एक प्रोग्राम में एक व्यक्ति आए थे, ही वॉज क्रिपल्ड, ही वॉज ऑन व्हील चेयर, और कारण क्या था, उनको कुछ साल पहले ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिससे उनके उनके पूरी बॉडी पे बहुत उसका सिवियर, ही वॉज ऑलमोस्ट इन कोमा फॉर मेनी मंथ्स, और फिर उसके बाद जब वो ठीक हुए तो इतने साल बाद भी ही वॉज ऑन व्हील चेयर, ही वॉज रिकवरिंग, ऐसा नहीं कि वो जीवन भर वैसे ही रहेंगे, बट ही वॉज रिकवरिंग। तो एक डिस्कशन में, एक एक्टिविटी में, हमने हर एक को एक ईयर रैंडमली दिया, एंड दे वी आस्क देम कि इस साल आपके साथ में क्या विशेष हुआ, अच्छा हुआ, आप वो बताइए। उनके पास वही साल आया जिस साल उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, उनको वो सारी मेमोरीज याद आ गई,
और वो वहीं खड़े होकर बोलने लग गए कि इस साल तो मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, सबसे दुखद घटना मेरे जीवन की इस साल में हुई। उन्होंने पूरा अपने एक्सप्लेन किया कैसे वो बैंकॉक में थे, वहां उनका उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ, उनका सारा बिजनेस नष्ट हो गया, उनको अपना घर बार सब कुछ वहां से छोड़ करके वापस इंडिया आना पड़ा, और अब वो इस समय पे बहुत कम अपने किसी छोटे मोटे बिजनेस के द्वारा ही अपना पूरा चला रही हैं घर, जितनी उनकी उस समय पे सेविंग्स थी वो चला रही हैं, कितना उनकी फैमिली डिस्टर्ब हुई, उनकी हेल्थ, तो उनको कुछ भी अच्छा मतलब बोलते इतना खराब साल तो मेरा आप यही साल मेरे पास क्यों आया। अब उनने जब ये कहा कि कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, तो उनको हमने कहा चलो आपके साथ बहुत बुरा हुआ, ब्रेन स्ट्रोक हुआ, आपका बिजनेस खराब हो गया, आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो गई, बहुत कुछ, आप जिंदा तो हैं, हर चीज आ जाएगी, हर चीज लाइफ में आ जाएगी, लेकिन इससे भी बुरा हो सकता था जो नहीं हुआ। आप एटलीस्ट अभी भी व्हीलचेयर पे हैं, लेकिन आप रिकवर तो कर रहे हैं, बोल तो पा रहे हैं, उस सिचुएशन से तो आप बाहर आए। तो उनको महसूस हुआ कि वाकई में लाइफ के अंदर एक हिम्मत का लॉस है जो परमानेंट लॉस है, और कोई लॉस परमानेंट लॉस नहीं है। हर चीज से अगर एक हिम्मत हमारे साथ है, हर चीज को हम जीत सकते हैं, हर चीज को हम वापस खड़ा कर सकते हैं। तो अगर आपका पैनिक मोड ऑन हो गया है, तो अभी आप अपने आप को उस समय याद दिलाइए, ये समय भी टल जाएगा, मुझे अपने आप को इस समय पे गिराना नहीं है, मुझे अपने आप को इस समय पे पॉजिटिव थिंकिंग। आपको बाकी चीजें कुछ सोल्यूशन दिखाई नहीं देगा, मान लिया पैनिक मोड है, लेकिन ये तो हम अपने आप को कह सकते हैं उस समय पर कि मुझे अपना साथ नहीं छोड़ना, मुझे इस समय परमात्मा का साथ नहीं छोड़ना। और एक सवाल और है, जैसे ये तो हम सिचुएशन बेस्ड स्ट्रेस की बात कर रहे हैं कि सिचुएशन थी और यू नो हमने अपना पैनिक मोड को कंट्रोल करने की कोशिश की, बट यदि कोई किसी व्यक्ति का काम ही ऐसा है जो कि स्ट्रेस रिलेटेड हो, जैसे शेयर मार्केट में डीलिंग करना या मनी लॉन्ड्रिंग जैसे सिचुएशंस में काम करना, तो ऐसे सिचुएशंस को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जो हमारी लाइफ में हमारे वर्क की वजह से ही आ रहा है? राइट, तो सिचुएशन को तो हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते, लेकिन हमारा वर्क ही इतना फ्लूइड है कि उस फ्लूइड वर्क में कोई सर्टेनिटी है ही नहीं, कोई चीज है ही नहीं, राइट? तो डेफिनेटली हम सिचुएशन को तो क्लियर कंट्रोल नहीं कर सकते, शेयर मार्केट ऊपर नीचे होगी, है ना, कोई भी चीज हमने कहीं इन्वेस्टमेंट की है वहां पे रिस्क एलिमेंट तो हमेशा रहेगा। लेकिन वही, फिर से मैं वही बात कहूंगी, अगर आपने अपने कॉन्फिडेंस को स्थायी बनाया है, जैसे आप अगर नाव को छोड़ दीजिए, जब तक आप नाव को नदी में छोड़ेंगे नहीं वो आगे कैसे बढ़ेगी? अब नदी का तो स्वभाव ही फ्लूइड है ना, कहां से कौन सी लहर कब आ जाए आपको नहीं पता, लेकिन चक्कू आपके हाथ में है, आपको नाव चलाना आता है, या जो नाव चला रहा है जिसको आपने अपनी नाव की पतवार सौंपी है वो बहुत अच्छा है, तो आप उन लहरों को एंजॉय करते हैं, एडवेंचर समझते हैं। यदि हमारा कर्म ही ऐसा है, जिस कर्म के अंदर फ्लूइडिटी है, जिस कर्म के अंदर कोई हमारे वर्क प्लेस में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो सिचुएशन है। अब उस सिचुएशन को आप स्ट्रेस तब बनाते हैं जब आपने चक्कू ढंग से नहीं पकड़ा, आपको कहीं है तय अगर ये लहर आएगी तो मैं बह जाऊंगा, लेकिन अगर हमने उस चीज को, हमको पता है उसमें भी कैसे आपकी स्किल्स है, आपको एक्सपीरियंस है उस फील्ड का, आपको पता है कि कोई भी लॉस परमानेंट लॉस नहीं है, कोई भी चीज होगी उसके लिए कंटिंजेंसी प्लान आपके पास है, तो आप मेंटली भी प्रिपेयर्ड है, आप इकोनॉमिकली भी प्रिपेयर्ड है, आपके फैमिली आपके साथ है, इमोशनली आप प्रिपेयर्ड है, तो सिचुएशन तो आएगी लेकिन वो आपके लिए खतरा नहीं, आपके लिए एडवेंचर बन जाएगी, यू विल एंजॉय दैट अप एंड डाउन। अगर लाइफ के अंदर आप अगर अपना ब्रेन, अपनी हार्ट का अगर आप ECG निकालें, तो अगर वो स्ट्रेट लाइन आए तो क्या माना जाता है? लाइफ लाइन कभी स्ट्रेट नहीं होती, लाइफ लाइन जब तक उसमें स्पाइक्स ना हो तब तक वो नॉर्मल नहीं मान जाती। तो लाइफ में ऊपर नीचे आना ये लाइफ का नियम है, इसको कंट्रोल करने की बात हम नहीं कर रहे, लेकिन इस उतार चढ़ाव को हम एडवेंचर के रूप में एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि चक्कू मेरे हाथ में है, या हमने सब कुछ छोड़ दिया है और हम लहरों को कह रहे हैं शांत होके आना। इसका मतलब तो ये हुआ सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने खड़ा है और वो कह रहा है सामने वाले बॉलर को स्ट्रेट स्ट्रेट बॉल डालना,
अगर टेढ़ी मेढ़ी बॉल डाली तो मैं बैटिंग नहीं करूंगा, तो ऐसे तो तेंदुलकर बना नहीं ना। तो हम भी अपने लाइफ में अगर टॉप बैट्समैन बनना चाहते हैं तो हमको भी क्या, हमें तो और ही बोलना चाहिए, जैसी बॉल डालनी है डालो, मैं प्रिपेयर्ड हूँ क्योंकि मेरे हाथ में बैट है, मेरा काम है हर मैच में सेंचुरी, ये मेरा काम है। तो हमें अपने काम पे फोकस करना है। जी, बाकी एक सवाल हमारी टीम की तरफ से भी आया है जिसमें वो अपने वर्क लाइफ बैलेंस को किस तरीके से मेंटेन करके रख सकते हैं, वो एक उस पर अगर आप कुछ प्रकाश डाल पाएं। जरूर, वैसे तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अपने आप में बहुत एक विशाल एरिया है जिसमें हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इससे संबंधित अगर मैं बताऊं वर्क और लाइफ क्या है। वर्क में भी आपको लोगों को मैनेज करना है, मतलब लोगों के साथ अपने आप को मैनेज करना है, समय को मैनेज करना है, कार्य को मैनेज करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज करना है, रिसोर्सेस को मैनेज करना है। लाइफ में अगर आप बात करें घर की बात, वहाँ भी लोगों को मैनेज करना है, वहाँ भी टाइम को मैनेज करना है, वहाँ भी आपको एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना है, वहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपकी अलग अलग। तो वर्क और लाइफ सिर्फ शब्द अलग अलग है, हमें क्या करना है उसमें कोई अंतर नहीं है। अगर हमने अपने आप को मैनेज करना सीख लिया तो फिर वो वर्क हो या वो लाइफ हो, अगर मैंने लोगों के मन को समझ करके उनके साथ में सही व्यवहार करना सीख लिया तो भले वो वर्क हो या लाइफ हो अंतर नहीं पड़ता। अगर मैंने समय को यूज करना सीख लिया तो फिर वो वर्क हो या लाइफ हो फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने हर चीज का सही उपयोग करना सीख लिया तो वो वर्क हो या वो लाइफ हो फर्क नहीं पड़ता। तो यह बात आ जाती है अपने आप को मेंटली अंदर से बैलेंस करने की। हम ये सोचे ही क्योंकि ये मेरा वर्क है, ये मेरी लाइफ है। अगर आप अपने आप को देखें, आपके दिन के 6 घंटा 7 घंटा 5 घंटा आप सोते होंगे, जो आपके घर के प्रोडक्ट, आपके पूरे दिन के 24 घंटों में से जो प्रोडक्टिव आवर्स हैं वो आप कहाँ बिताते हैं, वर्क प्लेस पे। तो अगर आप कहते हैं कि ये वाला पोर्शन मेरा वर्क है, इसके अलावा बाकी लाइफ है, तो बाकी लाइफ में रहा क्या, खाना पीना सोना थोड़ा सा 1-2 घंटा और कुछ फैमिली या रिक्रिएशन एक्टिविटी। तो अगर आप अपने पूरे दिन में देखें आप वर्क ही कर रहे हैं तो आप जी कब रहे हैं, व्हेन विल यू लिव, व्हाट इज लाइफ देन। सो डोंट थिंक दैट वर्क इज सेपरेट फ्रॉम योर लाइफ, एंड लाइफ में कुछ वर्क नहीं है, वहां भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है समय देना है, यहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वर्क ही जीने का समय है और जब जी रहे हैं तब कुछ हमें बहुमूल्य उनके लिए करना है। तो दे आर जस्ट टू डिफरेंट वर्ड्स, सिर्फ शब्द अलग है, एक्चुअली में हमारा रिस्पॉन्स दोनों जगह है, हमारा व्यवहार, हमारी मानसिकता, सब कुछ दोनों जगह एक ही है। वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड। तो सवालों में इतना ही विधात्री हूँ आज के लिए, बाकी आपका जो सेशन है वो हम आगे लेके जा सकते हैं। थैंक यू। तो अभी आप सभी चाहेंगे 2 मिनट मेडिटेशन का अनुभव करना, जिस मेडिटेशन की हम बात कर रहे थे कि अगर हमें अपने आप को, हमने अपने हाथ में अपना चक्कू पकड़ रखा है, मेरे हाथ में बैट है तो फिर बॉलिंग तो मैं तो इनवाइट करूंगी, आओ कोई भी आए मेरे सामने। तो इसलिए ये अपनी पावर हमें अपने पास रखनी है। तो अभी आपको 2 मिनट के लिए मैं इसका अनुभव भी कराऊंगी। और मेडिटेशन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, राजयोग मेडिटेशन, ये फिजिकल एक्सरसाइज की तरह नहीं है। इसमें फर्क नहीं पड़ता कि आप धरती पर बैठे हैं, किस पोज में बैठे हैं, क्या वस्त्र पहन रखे हैं, खाना खाए हुए कितना समय हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आप जहाँ भी बैठे हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, चल रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल 2 मिनट के लिए जहाँ है वहीं रुक करके केवल अपने आप से बात करनी है। तो इस समय तो क्या बात करनी है अपने आप से वो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, बाकी आप इसका अनुभव करना चाहें तो इसकी विधि सीख करके आप भी इस प्रैक्टिस को बहुत इजीली कर सकते हैं। एनीवेयर एवरीवेयर इट्स अ वेरी नेचुरल वे ऑफ कनेक्टिंग टू योरसेल्फ। तो आप जहां पर भी हैं 2 मिनट के लिए बस अपने आप को अपने लिए अवेलेबल कर दें। अपना ध्यान जो बीत चुका उससे हटा दे, जो अभी हुआ ही नहीं उस तरफ न। इस समय आप कहाँ हैं,
उस पल को अनुभव करें। केवल ये पल मेरे साथ है, महसूस करें कि मेरा जीवन कितना बहुमूल्य है। महसूस करें कितने भाग्यशाली हैं हम। हमारे पास अपना शरीर है जिससे हम कुछ कर सकते हैं, सर पे छत है, खाने के लिए 3 टाइम का भोजन है, जिसको मैं अपना कह सकूं वो फैमिली है। तो क्या हुआ अगर शरीर वैसा नहीं जैसा मैं चाहती थी? तो क्या हुआ ये छत किराए की है? तो क्या हुआ खाने में 1 ही सब्जी है, 10 नहीं? ये भी मेरे जीवन के लिए बहुतों के जीवन से बेटर है। अपने आप से जुड़ी, अपने आप को अंतर मन से देखें। इस पूरे शरीर को चलाने वाली मैं शक्ति हूं। ये शरीर भी सदा ऐसा नहीं था, ये शरीर भी बदल रहा है, परिस्थितियां भी बदल रही हैं, संसार भी बदल रहा है, लोग भी बदल रहे हैं, मेरा कार्य भी बदल रहा है, लेकिन मैं इन सब के बीच में परमानेंट कुछ भी रहे ना रहे मैं हूं। शरीर भी रहे ना रहे फिर भी मैं हूं, मैं वो शक्ति हूं। कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति, कोई भी प्रॉब्लम मेरा नहीं बिगाड़ सकती कुछ। जो भी टेम्पररी चीजें मेरे आसपास हैं, वो सदा से बदलती ही आई है और आगे भी बदलेंगी। उनको मैं चाहकर भी होल्ड नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती, लेकिन मैं, मेरा कोई चाह करके भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अनादि, मैं अजर अमर अविनाशी हूं। अब इस स्मृति के साथ वापस से अपने हर कार्य को करने के लिए अपने कर्म क्षेत्र की स्मृति में लौट आए। जैसे एक एक्टर स्टेज पर एक्टिंग करने के लिए आता है, कैसा भी किरदार हो उसमें अपना 100% देता है, ऐसे ही मैं अजर अमर अविनाशी शक्ति इस शरीर के कॉस्ट्यूम से अपने रोल को बेस्ट प्ले करने के लिए इस कर्म क्षेत्र पर लौट रही हूं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू सो मच सिस्टर विधात्री जी आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए और हम सभी को मोटिवेट करने के लिए। एंड आई एम श्योर आज का जो सेशन है वो हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए बेहद यूजफुल रहा।
और हम आशा करते हैं कि आगे भी हम इस तरीके के सेशन हम आपके साथ कंडक्ट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस वीकेंड, ओम शांति। थैंक यू, ओम शांति। और हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। ये सेशन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति।